बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, टुडे और टॉपिक इज़ टू फाइंड आउट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू अबाउट लिटिल बिट डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। हमने यहाँ पर आपको याद होगा, अभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया है उसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ करके और उसको हमने डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है। इसी तरह अभी जो नेक्स्ट हमारे पास अभी जो सेकंड चैप्टर है, यहाँ पर अभी हम इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनकी नेचर के मुतालिक बात कर रहे हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने रूट्स की नेचर के मुतालिक बात की कि जी वो कैसे बिहेव करती हैं क्या, और उसमें हमने जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फैक्टर है उसको भी डिस्कस किया। और ये ध्यान रखिएगा कि अभी हम यहाँ पर बेसिकली जो डील कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को है, जो कि अभी इस पूरे प्रीवियस चैप्टर में भी और अभी भी हम इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी है इसको डिटेल में डिस्कस करें और ये आगे कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं ये भी अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन। एक चीज़ और जो जेन में रखने वाली है कि यहाँ पर वर्ड जो रूट्स यूज़ हो रहा है, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो आप एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें जो उस में जो अननोन वेरिएबल्स हैं आप उनकी जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं वो बेसिकली उसके रूट्स होते हैं। यहाँ पर इसने ये कहा है कि विदाउट सॉल्विंग करेंगे, मीन्स कि ज़ाहिर है अब जैसे ही हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो ज़ाहिर है हम इसको एज इट इज़ सॉल्व करके भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि विदाउट सॉल्विंग। सेकेंड पॉइंट यह है कि ये जो फार्मूले यहाँ पर हमने डिराइव किए हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और अल्फ़ा बीटा किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये दोनों फार्मूले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से डिराइव किए हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले को जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है उसकी दोनों वैल्यूज़ को जब हम एक दफ़ा प्लस करें और एक दफ़ा जब हम प्रोडक्ट लें तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए। नो एज यू ऑल नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि इसकी राइट साइड पे हमारे पास ज़ीरो होता है और यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो वन है, बी की वैल्यू जो है वो माइनस फाइव है, सी की वैल्यू थ्री है। ये जो हमने पुट किया है, सम ऑफ रूट्स फाइंड किया है तो फाइव आंसर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया है तो थ्री आंसर है। इसके क्वेश्चन वन में इस तमाम पार्ट्स में हमने जस्ट ही फाइंड आउट करना है तो, और लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना है कि ये फार्मूला लगाने से पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि उसके राइट साइड पे ज़ीरो होगा और लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी होगी, फिर एक्स पावर वन भी और फिर विदाउट वेरिएबल भी। अभी क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, इसमें इसने कहा है कि फाइंड द सम वैल्यू ऑफ के सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर के इज इक्वल टू जीरो इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगेन यहाँ हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू गिवन है, राइट साइड पे जीरो है, स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला ये ज़हन में रखना है कि इस पूरी एक्सरसाइज में हम जहाँ पर भी फाइंड करेंगे उसमें ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हमने फार्मूला लगाया माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ये लगाया सी बाई ए और ये हमारे पास दो आंसर आ गए। फिर हमने ये जो सेकंड लास्ट स्टेप में ये जो लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये जो क्वेश्चन की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली मेजर क्वेश्चन में उसने कहा कि सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि जो रूट्स का प्रोडक्ट है उनका टू टाइम्स की इक्वल है। यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट किए हैं और यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली है, दैट इज़ थ्री बाई एट। ओके तो क्वेश्चन नंबर थ्री था फाइंड के इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज टू, कि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी आप ये देखें जो इस तरह भी हमने क्वेश्चन टू किया है, इस तरह क्वेश्चन थ्री भी या आगे भी जो हम करेंगे इनमें इसी तरह डिफरेंट टाइप की हमारे पास वो वर्डिंग्स दी हुई होंगी कि जी ये इसके इस टाइम की इक्वल है, ये इसके इस टाइम्स प्रोडक्ट की इक्वल है। हम फिर वहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे और बेसिकली हमने फाइंड जो है उस पूरी इक्वेशन में जो अननोन कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू करनी होगी। जैसे यहाँ पर इक्वेशन थ्री में के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें एज यूजुअल सबसे पहले हमने ए बी सी की वैल्यूज़ लिखी हैं, फिर उसके बाद सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो माइनस टू बाई के, फिर उसने कहा कि जी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने कहा होता कि जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम टू की इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू टू,
alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta is equal to 2. और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 3/4 है, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 2/3 है। यहाँ से हमने फिर ये वैल्यूज़ पुट किए हैं और इनको फर्दर सॉल्व किया है एज यूजुअल, और ये फिर हमने के की जो है वैल्यू निकाली है, दैट इज़ 64/23। यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में के की वैल्यू उसने हमसे पूछी थी, हमने पहले इक्वेशन बनाई। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने वाली है कि हमने इसको रिप्लेस किया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा से। क्यों रिप्लेस किया है? बिकॉज हमारे पास जो दो अवेलेबल वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, एक अल्फ़ा बीटा है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। यही वजह है कि इस तरह अभी हम अगली एक्सरसाइज में कुछ इस तरह क्वेश्चन करेंगे कि वहाँ हमें क्यूब्स में दी होंगी, 4 पावर में दी होंगी, लेकिन हम उनको भी इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के फार्मूले लगा के उनको रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस इस तरह करेंगे ताकि जैसे यहाँ पर देखिए मैंने किया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये दो जो हैं हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो उसने बताया कि जी पूछा है, सॉरी, फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। एक चीज़ जो अक्सर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जी हमारे पास जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, नो डाउट कि यहाँ पर इस एक्सरसाइज में कोई ऐसी इक्वेशन है नहीं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, लेकिन इवन देन भी बाज़ दफ़ा क्वेश्चन वो रिप्लेस भी कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमें रखनी है कि अगर रिप्ले कर भी दें तो इक्वेशन जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि जैसे अभी ये एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस पी स्क्र इजोड 0 डिफर बाई यूनिटी। यहाँ पर उसने कहा कि जो दोनों रूट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो यूनिटी, यूनिटी मीन्स के 1। शायद इससे जो अगला क्वेश्चन है उसमें उसने 2 का डिफरेंस कहा है। ए बी और सी की वैल्यूज देखी सबसे पहले हमने। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी चेंज है, वो ये है कि मैंने लिखा है लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 बी द रूट्स, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये जो दोनों रूट्स हैं इनका डिफरेंस जो है वो 1 है। तो क्योंकि डिफरेंस 1 है तो हमने यहाँ पर एक रूट अल्फा ले लिया है, सेकेंड रूट जो है वो हमने अल्फा माइनस 1 ले लिया है। बीटा वगैरह इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम एक अल्फ़ा ले लें और बीटा ले लें तो वो हमारी जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको जस्टिफाई नहीं करता, जिसमें उसने कहा है कि जी दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाया, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं यहाँ पर जो कि माइनस 1 थी, और फिर यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, ये फर्दर हमने इसको सॉल्व किया है और यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है। इसी तरह फर्दर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हमने फार्मूला लगाया है अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी बाई ए, विच इज़ पी स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और यहाँ पर भी हमने जब सम का फार्मूला लगाया तो जो सम वाला फार्मूला है यहीं से हमें अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू, जिसको हमने आगे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसमें यूज़ किया है। ये ध्यान में रखिएगा कि हम सम ऑफ रूट्स से ही वैल्यू निकालेंगे और प्रोडक्ट वाले में पुट करेंगे। रीज़न इज कि सम ऑफ रूट्स में हम ईजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू निकाली जो यहाँ हमने पुट की, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा की वैल्यू जब 1 पुट की तो 1 माइनस 1 0 इंटू 1 0 होता है, और पी स्क्वायर 0 था तो डेफिनेटली पी की वैल्यू भी जो है वो हमारे पास 0 आ गई है। ओके जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल एक्सरसाइज, वैसे ये सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इसके जो तीनों पार्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एज यूजुअल उसने एक अननोन की वैल्यू पूछी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कि एम की वैल्यू फाइंड करें विच सेटिस्फाइज द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, कि जो इस रिलेशन को जो ये लिखी हुई है इक्वेशन जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया इसको जस्टिफाई करें। अगेन पहला स्टेप एज यूजुअल जो अभी तक हम करते आए हैं, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी एंड सी की वैल्यू दैट इज़ 3m-1। सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाया, दैट इज़ माइनस बी बाई ए, और ये हमारे पास 7 आ गया। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाया, दैट इज़ सी बाई ए, तो वो हो जाएगा 3m-5/1 विच इज़ 3m-5। अब इक्वेशन नंबर 2 से, सॉरी जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ से मैंने बीटा की वैल्यू निकाली है 7-α, और इसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है बाई पुटिंग क्वेश्चन 4 in 1, कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस रिलेशन को जस्टिफाई करे। अब देखें यहाँ हमारे पास मेन तीन इक्वेशन हैं, क्वेश्चन 1, 2 and 3, जो बेसिकली हमने वैल्यू जो निकालनी है वो एम की निकालनी है, लेकिन एम की वैल्यू हम तब निकाल सकेंगे जो कि क्वेश्चन 3 में आ रहा है, कि जब अल्फा और बीटा दोनों आ जाएंगे, जब अल्फा और बीटा आएंगे तो जाके हम यहाँ पे पुट करेंगे जो कि फिर हम एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। यही वजह है कि पहले अभी हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 बीटा की वैल्यू निकाली है 7-α, और इसको मैंने पुट किया है इक्वेशन नंबर 1 में।
यहाँ मैंने पुट किया और ये आ गया 3 अल्फा प्लस 2 इंटू 7 माइनस अल्फा इज गुड 4, ये मल्टीप्लाई किया 3 अल्फा प्लस 14 माइनस 2 अल्फा इज गुड 4, और यहाँ से हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है -10। ओके, जो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी उसी को फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पुट किया है। 4 में पुट करने के बाद बीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है 7 माइनस माइनस 10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बीटा की वैल्यू आ गई 17। पुटिंग वैल्यूज इन 3, ये दोनों वैल्यूज अब आ गई थी, वही जिस तरह मैंने बताया था कि जब वो दोनों आ जाएंगी तो हम तीनों दोनों को क्वेश्चन नंबर 3 में पुट किया। माइनस 10 इंटू 17 ये हो जाएगा -170 इज इक्वल टू 3m-5, और ये 3m-5 इज इक्वल टू -165, और यहाँ से मैंने m की जो फाइनली वैल्यू निकाली है दैट इज -55। स्टूडेंट्स, एक दो चीज़ें जो इस एक्सरसाइज के वाले से भी और वैसे भी जहन में रखनी है, आपने अभी इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हमने जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसकी हम जो थ्योरी है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की थ्योरी को डिस्कस करें मतलब ये है कि अभी हम जो इसकी जो जो भी इसकी डिटेल्स हैं अभी तक आप प्रीवियस जो आपकी क्लासेस हैं उनमें आपने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था या ये पढ़ा था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी हम इसको कर रहे हैं कि जी इसकी थ्योरी क्या, इसके आगे फर्दर जो डिटेल है, इसके रूट्स की नेचर क्या है, वो कैसे बिहेव करते हैं, फिर प्रैक्टिकली जो है ये कहाँ कहाँ पर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस जो हैं ये हमारी यूज़ होती हैं। ये याद रखिएगा कि इंजीनियरिंग के बहुत सारे फील्ड्स में ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस यूज़ होती हैं, और वो ऐसे नहीं यूज़ हो जाती हैं कि मिसाल तौर पर जाते जाते क्वेश्चन बना दें। जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है पहले हमेशा उसका एक पेपर वर्क होता है, जब पेपर वर्क होता है तो वहाँ पर ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस बनती हैं वहाँ पर फिर जिस भी तरह के बने, ज़रूरी है क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने या इससे भी ज़्यादा हायर ऑर्डर या डिग्री की इक्वेशन बने, उस उनको फिर वहाँ पर सॉल्व किया जाता है डिफरेंट मेथड से। नो डाउट कि वो इक्वेशन इस तरह की सिंपल नहीं होती जैसे यहाँ पर भी है, हो सकता है हूँ भी बाज़ बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स इक्वेशन भी होती हैं, उनके लिए फिर हमें सॉल्व करने के लिए ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनको अब हम उनसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली ये इन इक्वेशंस को वहाँ पर यूज़ किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो ज़्यादा यूज़ है ये आप जब सेकंड ईयर में भी आएंगे वहाँ पर भी है, फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत है लेकिन सेकंड ईयर में इसका बहुत ज़्यादा जो ग्राफ वगैरह हैं वो किस तरह बनाने हैं या वगैरह वगैरह वो वहाँ पर यूज़ होते हैं। इनकी जो डिफरेंट क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये क्योंकि ज़्यादा यूज़ होती है तो इसी वजह से अभी ये इस बेसिक लेवल पे इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है। और सेकंड पॉइंट ये कि जो अभी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इन सब का एक एक पार्ट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, दूसरा जो इसका पार्ट है वो आप लोगों ने खुद इसको एक से प्रैक्टिस करनी है, और इफ़ इन एनी केस देयर इज एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर उसमें कुछ सॉल्विंग में इशू आता है या कहीं भी, क्योंकि ये जहन रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि ये जो है आपको लेक्चर इंशाल्लाह आपके लिए यूजफुल साबित होगा। थैंक यू।